एस्पायरेंट्स 10 मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 14 न्यूज आइटम्स है जो पिकअप की गई है, हम इनको डिटेल में देखेंगे। पहली न्यूज आइटम है विलेजर्स इन त्रिपुरा लिंच बांग्लादेश सिक्योरिटी गार्ड। तो ये विलेजर्स है त्रिपुरा में, साउथ त्रिपुरा में, ये एनक्लेव है, यहाँ पे जो फैमिलीज रहती है, ये एनक्लेव क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो ये फैमिलीज ने कहा है कि यहाँ पे अंसार ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो ये ऑक्सिलरी फोर्स है बांग्लादेश पुलिस का, इसके 10 लोग यहाँ आए थे और 2 सिविलियंस बांग्लादेश के भी आए थे, वो जबरदस्ती उनके घर में घुसे और लूटने की कोशिश की। तो इनके ऊपर अटैक किया गया, ये विलेजर्स ने अटैक किया, बाम्बू स्टिक्स और राइफल्स, ये किचन नाइफ वगैरह यूज करके उन्होंने इन पे अटैक किया और इसमें से एक अंसार मैन की डेथ हो गई और एक सिविलियन को पकड़ा गया, बाकी सब भाग गए। तो ये न्यूज सामने आई है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने ये कम्युनिटी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को भी, उन्होंने कहा है कि वो इसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये एक्चुअली बाउंड्री लाइन पे, जो 0 लाइन ऑफ द बॉर्डर है, वहां पे ये एनक्लेव है लोकेटेड। तो यहाँ पे जो अभी रिसेंटली बॉर्डर चेंज हुआ था, इरेक्ट हुआ था यहाँ पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे अभी 12 फैमिली जो यहाँ पे लेफ्ट आउट हो जाती है ये साइड पे। तो ये बार्ड वायर फेंसिंग है, यहाँ पे नया बॉर्डर बना है। तो ये बायलेटरल अग्रीमेंट जो बांग्लादेश के साथ था उसके बेसिस पे है, ये लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट के बारे में, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या था और ये एनक्लेव क्या होता है। तो ये एनक्लेव जो होता है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऐसे एनक्लेव्स है, मतलब के फर्स्ट ऑर्डर एनक्लेव, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एनक्लेव। मतलब क्या, जैसे यहाँ दिखाया गया ये इंडिया का है कलर और ये कलर कोड बांग्लादेश का, मतलब ये रीजन इंडिया को बिलोंग करती है बट इट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश। तो ये पूरा बाकी का बाहर का रीजन बांग्लादेश का है, उसके बाहर जो रीजन अगेन ये इंडिया का है, उसके बाहर है जो बांग्लादेश का है। तो ऐसे भी केसेस है, तो ये आप देख सकते हैं 5 ऑर्डर तक है, ये एक्चुअल एग्जाम्पल दिया गया है। तो ऐसे एनक्लेव्स थे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो बॉर्डर एरियाज में। तो यहाँ पे ये क्यों थे वो भी एक क्वेश्चन है। तो रीजन ये था कि इंटरेस्टिंग है ये हिस्टोरिकली, कि जो किंग्स वो टाइम पे होते थे, तो वो किंग्स गेम्स खेलते थे, बोर्ड गेम्स वगैरह, और वो अपना अपनी जमीन दाव पे लगाते थे। तो जब वो ये दाव हार जाते थे तो उनको वो जमीन गिव अप करनी होती थी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, ये इंडिया ने यहाँ पे 3 नंबर, ये पूरा इंडिया की टेरिटरी, यहाँ पे उन्होंने ये पार्ट दाव पे लगाया और वो हार गए, तो ये 2 नंबर पूरा बांग्लादेश को चला जाएगा। अब बांग्लादेश के जो, मतलब एग्जाम्पल है ये, तब जो किंग्स थे तो वो अपोजिट साइड वाले किंग, अब उन्होंने अपनी बारी में ये जो उनको अभी नई जमीन मिली उसमें से एक टुकड़ा लगाया स्टेक पे और ये वो हार गए। तो अगेन ये जो फर्स्ट कंट्री है उसको चले जाएगा। तो इसीलिए एनक्लेव के अंदर एनक्लेव ऐसे ये पोजिशन थी। और अब प्रॉब्लम ये है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, तो वो लोगों को सिटीजनशिप कौन सी मिलेगी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, वो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो इनका कंडीशन सिटीजनलेस था एक्चुअली, ना वो उनको बांग्लादेश गवर्न कर पाती थी ना इंडिया गवर्न कर पाती थी। तो इसलिए ये डिस्प्यूट और ये इशू, बॉर्डर इशू को रिजोल्व करना जरूरी था। तो इसीलिए 1974 में ही फर्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव लिया गया कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट रिजोल्व किया जाए। तो ये प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान, जो ये बांग्लादेश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ ये अग्रीमेंट लाया गया, पर इसको इफेक्टिव नहीं किया गया। तो ये पार्लियामेंट अप्रूव करेगी लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट, तभी होता है। तो मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम पे भी इसको रिवाइव किया गया था और फाइनली अब इसको इफेक्टिव किया गया है। रिसेंटली ये लास्ट ईयर की बात है जब इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया गया। तो इंडिया के 111 एनक्लेव्स है और बांग्लादेश के 51 एनक्लेव्स है, तो ये एक्सचेंज किए जाएंगे ताकि ये बाउंड्री डिस्प्यूट रिजोल्व हो सके। तो इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री भी जो है आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल स्टेट है यहाँ पे, ये फिर आसाम आता है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 4, एक्चुअली 5 में से 4 स्टेट्स इन्वॉल्व है इस एनक्लेव एक्सचेंज में। तो ये लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट के बारे में, तो ये एनक्लेव यहाँ पे लोकेटेड है उनके, अभी अभी ये ट्रांसफर हो चुका है, मतलब कि अब इनको एक्चुअल सिटीजनशिप जो कंट्री में वो फॉल करते वो हिसाब से मिल जाएगी। फिर अगला न्यूज आइटम है पंजाब वार्सिटी डेवलप्स न्यू बीटी कॉटन वेराइटीज। तो ये पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है लुधियाना में, इन्होंने पहली बार इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन सीड बनाए हैं, डेवलप किए हैं, जो अब फार्मर्स को दिए जाएंगे, तो इनको ये रीयूज भी कर सकते हैं।
तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जीएम क्रॉप्स होते हैं, तो इंडिया में सिर्फ एक ही जीएम क्रॉप को अप्रूवल दी गई है, वो है कॉटन। और बीटी कॉटन जो है, तो बीटी कॉटन के लिए बॉलगार्ड, बॉलगार्ड वन, बॉलगार्ड टू, ये सीड्स लाए गए हैं बाय मॉन्सेंटो। तो ये यूएस कंपनी है और इन्होंने इंडियन कंपनीज के साथ ज्वाइन अप भी किया है, महाराष्ट्र एसोसिएशन जो भाई को है तो इसमें उनका स्टेक है। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके अब यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी को सेल करते हैं। तो ये बॉलगार्ड टू के लिए तो उन्होंने पेटेंट भी लाया है, तो 2009 में इनको पेटेंट भी ग्रांट किया गया है, तो अब इनके पास मोनोपोली है। तो ये सीड्स जो बेचे जाते हैं कॉटन, बीटी कॉटन सीड्स, तो ये उन बाकी जो सीड कंपनीज है उनको ये लाइसेंसिंग अग्रीमेंट देते हैं कि आप ये बना सकते हो और फिर सेल कर सकते हो। तो लाइसेंसिंग के लिए उनको फीस पे करनी होती है, तो वो मोनोपोली है, वो जितना कहेगे उतना, वो द ओनली सेलर है। तो इसीलिए ये फीस काफी ज्यादा, इसके ऊपर भी ऑलरेडी कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि ये फीस को रिड्यूस करना चाहिए कि जो बीटी कॉटन क्रॉप्स के सीड्स है वो अफोर्डेबल हो फार्मर्स के लिए। तो ये बीटी कॉटन है भी क्या? ये बीटी कॉटन है कि जो ये एक पर्टिकुलर जीन है, क्राई वन एसी जीन, तो ये जीन एक्चुअली बॉलवर्म से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो ये जीन प्रोटीन सिंथेसिस का है, तो ये प्रोटीन हेल्प्स प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट बॉलवर्म। तो बॉलवर्म जो पेस्ट है वो मेजर कंसर्न है कॉटन क्रॉप्स के लिए और ये डिस्ट्रॉय करते कॉटन क्रॉप्स को। तो ये जीन इंसर्ट कर किया जाता है, तो ये बैक्टीरियल जीन है, तो बैक्टीरिया से निकाल के ये बीटी बैक्टीरियल बैकिलस थ्यूरिंजिनेसिस बैक्टीरिया है, तो उसका ये जीन निकाल के इसको कॉटन सीड में डाला जाता है, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन होता है, फिर वो कल्टीवेट किया जाता है। तो ये इस टेक्नोलॉजी को वो पेटेंट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने अभी इंडिजिनियसली ये बीटी कॉटन वेराइटी बनाई है, तो वो इशू, ये न्यूज है। और रिसेंटली वही है, 2015 में ये भी डेवलपमेंट्स हुए कि क्योंकि इनके लाइसेंसिंग फीस प्राइसेस काफी हाई थी, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि ये ओवर चार्जिंग कर रहे हैं मोनसेंटो, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सीड्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पास किया 2015 में। तो इसकी वजह से काफी केसेस भी इनिशिएट हुए हैं हाई कोर्ट्स में कि इसके ऐसे ये प्राइसेस कंट्रोल नहीं कर सकते, पर गवर्नमेंट कहती है कि उनके पास ये एक्सेप्शनल पावर्स है और वो कर सकते। और ये एक साइंटिफिक एंड एथिकल फेलियर, ये एक इशू हुआ था 2009 में। तो यहाँ पे बीटी कॉटन वैरायटी डेवलप करने के लिए, इंडिजिनियसली डेवलप करने की क्लेम की गई थी, तो ये पर हुआ नहीं था एक्चुअली। तो ये आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ने फिर फाइनली इसको विड्रॉ कर दिया। तो ये जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू हुआ था उस बारे में भी है। और ये सारे जो होल्डर्स इन्वॉल्व है, मॉन्सेंटो यूएस कंपनी है, मॉन्सेंटो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ये उसकी सब्सिडियरी है, महको मॉन्सेंटो बायोटेक इंडिया लिमिटेड ये बनाई गई, तो 50-50 ज्वाइंट वेंचर है ये एस्टैब्लिश की गई है। तो ये सब लाइसेंसिंग करते हैं बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी का। और ये रीसेंट जो कंट्रोवर्सी हुई, तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा गया है कि एलिजेशन जो है कि मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस हो रहे हैं मोनसेंटो ग्रुप से, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। फिर सेंटर ने भी नोटिफिकेशन लाया और इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो ये सीड का मैन्युफैक्चरर्स है, तो वो तो ये लाइसेंस करके यूज करते हैं बीटी कॉटन, तो उनको नहीं चाहिए था कि इसमें कोई चेंजेस है, तो उन्होंने अपोज किया ये प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को, उनको भी पैसा कम मिलेगा सीड्स के लिए। तो वही है, तो ये जो सीड्स भी सेल किए जाते हैं वो ब्रीडर सीड्स होते हैं, मतलब उनको सिर्फ आप एक ही बार यूज कर सकते हो, तो सेकेंड टाइम आपको वो फिर से खरीदने होते। तो इसीलिए जो अभी ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने प्रपोज किया है, तो उसमें आपको ये फिर से नहीं खरीदने होंगे, तो वो बात है। और फिर जब ये मॉन्सेंटो ग्रुप ने हाई कोर्ट को ये भी कहा कि ये सेंटर के प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पे स्टे लाया जाए, तो हाई कोर्ट ने रिफ्यूज किया और ये अभी वो केस हियर कर रही है, क्या होगा इसके ऊपर। और ये जो कैप लगाया गया फीस पे उसके बारे में, तो ये बॉलगार्ड टू कॉटन का जो अनाउंसमेंट किया गया कि प्राइसेस क्या होगी वन और टू के लिए, और इसके ऊपर 73% रिडक्शन हुआ है अभी वैल्यू फी पे, तो लाइसेंसिंग फी उस पर। फिर अगला न्यूज आइटम है पेड मटर्निटी लीव एक्सटेंडेड टू 26 मंथ्स। तो पार्लियामेंट ने रिसेंटली पास किया है मटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल 2016। तो इसके अंदर अब मटर्निटी लीव जो है वुमेन के लिए वो पेड मटर्निटी लीव 26 वीक्स तक होगी, तो और पहले ये 12 वीक्स तक ही थी, मतलब 3 महीना, तो अब ये 26 वीक्स तक एक्सटेंड की गई है।
तो ये सारे एस्टेब्लिशमेंट्स पे एप्लीकेबल होगी जहाँ पे एटलीस्ट 10 लोग काम करते हैं, और ये फर्स्ट टू चिल्ड्रन के लिए एप्लीकेबल होगी। अगर अगर वुमेन बिकम्स मदर अगेन फॉर थर्ड चाइल्ड, तो थर्ड चाइल्ड के लिए 12 वीक का ही पेड मटर्निटी लीव होगा। तो ये प्रोविजन है ये इस नए बिल में, तो इससे इंडिया थर्ड पोजिशन पे आ जाती है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ वीक्स फॉर मटर्निटी लीव। तो ये हाइएस्ट है कैनेडा और नॉर्वे में, 50 वीक्स और 44 वीक्स रेस्पेक्टिवली, और इंडिया में अब हो गई है 26 वीक्स। अगला न्यूज आइटम है इंडिया पाकिस्तान डीजीएमओज होल्ड टॉक्स। तो ये अनशेड्यूल्ड कॉल था बिटवीन इंडिया, इंडियन आर्मी के जो डीजीएमओ है और पाकिस्तान आर्मी के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। तो यहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान से कन्वे किया कि टेररिस्ट जो अभी फिलहाल इनका मूवमेंट हो रहा है एलओसी के अक्रॉस, तो इनके ऊपर पाकिस्तान स्टेप्स ले, और जो दो नेशनल्स है पाकिस्तान के जिनको एलओसी उन्होंने क्रॉस किया था और इनको इंडियन आर्म फोर्सेस ने अरेस्ट किया है आफ्टर द उरी अटैक्स, तो इनको भी अभी हैंड ओवर किया गया है। तो ये जो है टेररिस्ट से यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होता है एलओसी के अक्रॉस, तो विंटर्स में डिफिकल्ट होता है, तो अब विंटर्स खत्म हो रहे समर सेट इन करेगी, तो ये यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज होने वाला है, इसीलिए आर्म फोर्सेस को रेडी होना भी काफी जरूरी है अक्रॉस द एलओसी। और अभी भी हम देख रहे हैं कि मिलिटेंट्स के अगेंस्ट जो आर्म फोर्सेस पुलिस फोर्सेस स्टेप्स लेती है, तो यहाँ पे कश्मीरी रेसिडेंट्स इनका स्टोर पेल्टिंग इनके अगेंस्ट किया जाता है, तो वो भी एक कंसर्न यहाँ पे है। अगला न्यूज आइटम है नो चेंज इन इंडिया स्टांस ऑन यूएनएससी वीटो। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जो रिफॉर्म्स के लिए प्रपोज किया गया है, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि परमानेंट मेंबरशिप है वो एटलीस्ट दी जाए, जो वोटिंग पावर्स है वो बाद में भले आए, तो ऐसे इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया है G4 के बेसिस, G4 को रिप्रेजेंट करते हुए इंडियन एम्बेसडर ने कहा कि एटलीस्ट कोई स्टेप्स तो फॉरवर्ड लिए जाए कि परमानेंट मेंबरशिप के लिए एटलीस्ट कंसेंसस आए, वो अक्वायर किया जाए और नए परमानेंट मेंबर्स इंक्लूड किए जाए, उसके बाद वीटो के ऊपर भी कंसेंसस लाया जाए, तो एटलीस्ट 15 ईयर्स टाइम फ्रेम हमको चलेगा, एटलीस्ट परमानेंट मेंबरशिप स्टेटस मिले, वीटो पावर्स बाद में मिलेगी, तो फ्लेक्सीबिलिटी बताई गई है ऐसे। तो ये भी इंडियन गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि कोई चेंज नहीं किया हमने स्टांस में, बट वी वॉन्ट रिफॉर्म्स एक्शन एज सच ऑन इसमें। तो ये जो ये वीटो मेंबर्स, सॉरी ये जो G4 मेंबर्स है, तो G4 ग्रुपिंग बनाई गई, इंडिया ब्राजील जर्मनी और जापान। तो जो परमानेंट 5 मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो है यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। तो ये 4 कंट्रीज ने साथ में एक ग्रुपिंग बनाई G4, ताकि वो एक साथ मिलके अपने परमानेंट मेंबरशिप पोस्ट के लिए फाइट कर सके या पुश कर सके। तो ये चारों रिजर्विंग है, इवन G4 चाहती है कि अफ्रीकन नेशंस में से भी एक नेशन को एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, तो वो है। तो यहाँ पे ये एनालिसिस दिखाया गया है कि जनरली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोटिंग्स होती है, तो ये कंट्रीज हमेशा वोट करती है, एब्सटेंशन मतलब नहीं वोट करना, ना हाँ कहना ना ना कहना, वोट करके आप हाँ ना जो चाहिए कह सकते, पर नहीं वोट करना ये यहाँ पे कम होता है। तो वही है, ये मेजर लीडर्स है जिनका व्यू पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इनको परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, वो एंडोर्स किया जा रहा है। अगला न्यूज आइटम है कमिटी टिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन डिफेंस स्पेंड allocations। तो ये एक्चुअली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन डिफेंस, इन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट ने डिफेंस allocations किया अभी बजट 2017 में काफी कम है, तो इसके ऊपर ये पूरा उन्होंने रिपोर्ट दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी जो नेवी के ऊपर लायबिलिटीज है, कमिटेड लायबिलिटीज पे उनको पेमेंट्स करना है, तो उसको फुलफिल करने के लिए भी ये सफिशियंट नहीं है, तो काफी लो एलोकेशन हुआ है बजट में डिफेंस के लिए। इवन वो कह रहे हैं आर्म फोर्सेस को भी प्रॉब्लम होगी, एयर फोर्सेस को भी ये दिक्कतें आएगी, क्योंकि काफी सारा प्रोक्योरमेंट होता है, डिफेंस डील्स फाइनलाइज हुई है, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, और अब जो उनको पेमेंट करनी होगी उसके लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि बजट एलोकेशन नहीं किया गया। एक्चुअली ये कम एलोकेशन किया गया डिफेंस के लिए इन द बजट 2017, और इसको फाइनेंस मिनिस्टर ने जस्टिफाई ऐसे किया कि जो स्पेंडिंग है वो काफी स्लो है, तो स्लो पेस ऑफ स्पेंडिंग के लिए उन्होंने कहा हमने अभी लोअर एलोकेशन डाले है। तो यही है, इसको क्वेश्चन करते हुए ये पार्लियामेंट्री कमिटी की व्यू पॉइंट है। तो वही वो और भी कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो एंडोर्स किया जा रहा है फॉर डिफेंस, तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर कुछ हुआ नहीं है, तो दिस इज ओनली 1% ऑफ द स्पेंडिंग, बाकी का हम स्पेंडिंग जो करते हैं वो प्रोक्योरमेंट
एज सच फॉर दीज डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए होता है अब्रॉड। तो यही है कि मेक इन इंडिया भी सक्सेसफुल कुछ हुआ नहीं है, तो उसको भी वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगला न्यूज आइटम है नो चेंजेस इन H1B प्रोग्राम। और इसमें आपको डिफेंस बजट के बारे में पता होना चाहिए कि बजट अनाउंस होता है, इट इज लेड बिफोर द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये दोनों हाउसेज में जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है, इनके पास ये जो रेलेवेंट सेक्टर की कमिटी है तो उसके पास ही जाते हैं। जैसे डिफेंस रिलेटेड है तो यहाँ इस कमिटी में आएगा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस। तो वो अपने रिपोर्ट्स स्क्रूटिनाइज करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं और फिर वो पार्लियामेंट को सबमिट करते हैं और इसके बेसिस पे फिर वोटिंग की जाती है। तो बजट अब तक अप्रूव नहीं हुआ है, दैट विल टेक सम टाइम। तो बजट सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है। अगला न्यूज आइटम है नो चेंजेस इन H1B प्रोग्राम। तो जो H1B वीजा प्रोग्राम में चेंजेस गवर्नमेंट ने US में प्रपोज की है कि यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी है उसको हाइक किया गया है ताकि सबको H1B वीजा इजीली ना मिले, जो हाई पेइंग प्रोफेशनल से वो ही एलिजिबल हो H1B वीजा के लिए। तो चेंजेस तो प्रपोज किए गए हैं, पर अब ये स्टेटमेंट आ रहा है कि जो फिलहाल 1 अप्रैल से जो इमिग्रेशन H1B वीजा सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, वही वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो H1B वीजा के लिए US गवर्नमेंट हर साल 85,000 पीपल को एक्सेप्ट करती है और ये लॉटरी प्रोसेस से होता है, मतलब जो सिलेक्ट किए जाते हैं उनको दिया जाता है। तो लॉटरी प्रोसेस से ये अभी प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से, इसीलिए क्लैरिफाई किया जा रहा है कि फिलहाल के प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का काफी स्ट्रॉन्ग पिच है कि वो चाहते हैं कि इमिग्रेशन जो है इस पर रिस्ट्रिक्शंस लाए गए, मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन को प्रमोट करते, फैमिली लिंक्ड इमिग्रेशन को वो सपोर्ट नहीं करते, मतलब वो डिपेंडेंट है, वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट होके खुद ही इकोनॉमिकली सर्वाइव करेंगे और US इकोनॉमी को भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन और एक आस्पेक्ट ये है कि जब ये इमिग्रेंट्स आके जॉब्स करते हैं तो अमेरिकन वर्कर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है, तो इसके ऊपर भी वो एक्शन लेना चाहते हैं। थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोर्स ये दोनों इशू में है। और फिर और एक जो प्रोविजन है उसमें भी ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने लाया था और अब ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इसको चेंज करना चाहता है, वो है कि जो स्पाउसेस है, H1B वीजा होल्डर आप हो लेकिन आपके जो स्पाउस है उनको भी अलाउड क्या करना चाहिए वर्क करने के लिए, तो वर्क परमिट ये दी जाती है। तो उसके ऊपर अभी कंसिडर कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन कि इसको चेंज किया जाए। अगला न्यूज आइटम है कॉमनवेल्थ ट्रेड मीट बिगिंस। तो ये जो कॉमनवेल्थ ग्रुपिंग है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये UK और ब्रिटेन और जो उनकी कॉलोनीज थी, तो मेजरली जो कॉलोनीज थी वो यहाँ पे मेंबर्स है, सारे जो कॉमनवेल्थ के मेंबर्स वो सारे फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज नहीं थे, तो थोड़े और भी कंट्रीज ने ज्वाइन किया, यहाँ आइलैंड नेशन है, स्मॉल नेशन भी। तो ये कॉमनवेल्थ समिट जो अब है यहाँ पे, ये फोकस इनका ट्रेड पे है कि ट्रेड को स्टिमुलेट किया जाए, ट्रेड को प्रमोट किया जाए, क्योंकि UK भी अब एग्जिट हो रहा है ब्रिटेन, ब्रेग्जिट जो हो रहा है मतलब EU से एग्जिट हो रहा है UK, तो इसके बैकग्राउंड में भी ब्रिटेन चाहती है कि उनका ट्रेड रिलेशन बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कंट्री से स्ट्रांग हो। तो कॉमनवेल्थ भी एक ग्रुपिंग है जहाँ पे वो अपना ये ट्रेड रिलेशन प्रमोट करना चाहती है, तो उसको एंडोर्स किया जा रहा है। अभी फिलहाल है ट्रेड $750 बिलियन कॉमनवेल्थ इंट्रा ग्रुप ट्रेड, तो इसको टारगेट किया जा रहा है कि बाय 2020 इसको $1 ट्रिलियन होना चाहिए ट्रेड, तो वो ये फाइनलाइज हुआ है। और CHOGM मीटिंग होगी, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग UK में नेक्स्ट ईयर 2018 में होने वाली है। अगला न्यूज आइटम है इंडिया सीज ऑप्शंस इन US एनर्जी पॉलिसी। तो US ने रिसेंटली अनाउंस किया है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि जो अमेरिकन ऑयल गैस और कोल सेक्टर है इसको डीरेगुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये रिसोर्सेस को वो अवेल कर सके। तो इंडिया का ऑयल डिमांड काफी ज्यादा है, 2040 में भी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 30% जो ग्लोबल ऑयल डिमांड होगा, एनर्जी डिमांड होगा, वो इंडिया से आएगा। तो ऑफकोर्स इंडिया को यहाँ पे स्टेप्स लेने चाहिए उसको सेफगार्ड करने के लिए। तो ऑलरेडी इंडिया US से इंपोर्ट कर रही है LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो ये 2018 से स्टार्ट होगा इंपोर्ट, एज सच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं ऑलरेडी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ये है, इवन इंडियन PSUs है उन्होंने ऑलरेडी शेल गैस प्रोडक्शन में US में इन्वेस्ट किया है। तो ये शेल गैस भी क्या होता है हम देखेंगे। तो ये गेल है, ऑयल इंडिया, IOC और रिलायंस एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी, इन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। तो शेल गैस प्रोडक्शन में US अब लीड करती है,
उनके पास क्लीन कोल टेक्नोलॉजी है, सिंथेटिक गैस वो डेवलप करते हैं, तो ये भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी इंडिया के लिए होगा जो बेनिफिशियल होगा। इवन स्मार्ट ग्रिड वो बिल्ड करते हैं, तो स्मार्ट ग्रिड्स में जब ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन होता है तो ट्रांसमिशन एंड R&D लॉसेस कहते हैं यहाँ पे, तो वो कम हो जाएंगे। तो ये R&D लॉसेस की मतलब जो वाइल द ट्रांसमिशन हो रहा है, T&D लॉसेस, सॉरी नॉट R&D, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी स्टेप्स ले सकते हैं, इनका स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी वगैरह अडॉप्ट कर सकते हैं, तो इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सिंथेटिक गैस क्या है, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी क्या है और शेल गैस क्या है, हम देख लेंगे। तो ये जो है कन्वेंशनल ऑयल जो है पेट्रोलियम और फिर ऊपर नेचुरल गैस होता है, तो ये जनरली ऐसे अवेलेबल होता है। नेचुरल गैस कहीं कहीं विदाउट ऑयल भी होता है, पाया जाता है। ये है कोल बेड मीथेन, मतलब कोल बेड में यहाँ पे जो मीथेन, कोल बेड मीथेन को भी ये यूज किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। और ये है शेल गैस, तो शेल यहाँ पे है रॉक फॉर्म, ये गैस इसमें है, रिच गैस है, तो ये शेल गैस को अब एक्सट्रैक्ट करने का टेक्निक डेवलप हो चुका है और ये शेल गैस यूज की जा रही है बाय यूएसए। सिंथेटिक गैस जो है सिंग गैस कहते हैं इसको, तो सिंग गैस आता है विथ जो कार्बन है उसके ऊपर वाटर वेपर पास ओवर किया जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस। तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग गैस बनता है, इसको वाटर गैस बोला जाता था। तो इनिशियली इसको ये टाइम में लाइटिंग पर्पजेस के लिए यूज किया जाता था। अब फिर से 20th सेंचुरी में जब ये डिस्कवर हुआ है तो ये वही कॉम्बिनेशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर कॉम्बिनेशन, तो इसको सिंग गैस कहा जाता है और इसको यूज किया जाता है कि और हाइड्रोकार्बन सिंथेसाइज हो सके, इसके लिए इसको यूज किया जा रहा है। तो सिंग गैस सिंथेटिक गैस है ये, तो ये उसके ऊपर आप स्टीम रोलिंग करोगे तो उससे ये सिंथेटिक गैस डेवलप होगी। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, सो क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज मतलब एफिशिएंसी कोल की हाई हो और एमिशंस लो हो, HELE प्लांट्स। तो मतलब कोल के टेम्परेचर जब ये काफी काफी हाई कर दिए जाते हैं, इनके ऊपर प्रेशर भी काफी हाई किया जाता है कोल के ऊपर, तो इससे इसमें एमिशंस काफी कम हो जाते हैं, 40% से कम हो जाते हैं। तो दिस इज क्लीन कोल टेक्नोलॉजी जो अगेन US, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने डेवलप किया है और हम चाहते हैं कि ये हमको भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। तो ये है, फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर इश्यूज ड्राफ्ट रूल्स ऑन ई वॉलेट पेमेंट। तो सेंटर ने यहाँ पे ड्राफ्ट रूल्स बनाए हैं ऑन ई वॉलेट्स, तो जो ई वॉलेट्स है जैसे कि पेटीएम, फ्री चार्ज वगैरह, मोबीविक, तो यहाँ पे ये ई वॉलेट्स को और एक नाम दिया जाता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये PPIs जो है, तो ये इनके ऊपर एक ड्राफ्ट रूल बनाया गया है कि इनका सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी स्ट्रांग हो, तो इसके लिए जो नॉर्म्स है तो वो ये रूल्स है, IT सिक्योरिटी ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स 2017। तो अब ये ड्राफ्ट रूल्स है, इसको फाइनलाइज किया जाएगा तो ये इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसके अंदर ये प्रोविजन है कि ये सारे PPIs है उनको अपनी वेबसाइट पे या मोबाइल एप्लीकेशन पे अपने प्राइवेसी पॉलिसी मेंशन करनी होगी और यहाँ पे उनका टर्म्स ऑफ यूज पॉलिसी भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए और उनको रिस्क असेसमेंट करना चाहिए कि सिक्योरिटी रिस्क क्या है, उसको वो क्लियरली असेस कर सके और एडिक्वेट मेजर्स ले ताकि कोई सिक्योरिटी ब्रीचेस ना हो। तो इसके लिए ड्राफ्ट रूल्स फ्रेम किए जा रहे हैं। अगला न्यूज आइटम है सिल्क रोड मेड बाय नोमैड्स। तो ये एक स्टडी की गई है सिल्क रोड पे, द ग्रेट सिल्क रोड, जो ये एंशियंट रूट है, तो ये मार्को पोलो ने जब ये सिल्क रोड के थ्रू ट्रावर्स किया था उसके भी 5000 साल पहले से ये रोड था और ये माउंटेन पेस्चर्स थे, तो जहाँ यहाँ पे हर्ड्स जो नोमैड्स होते हैं जो मंजारा टाइप, तो वो अपने हर्ड्स लेके मतलब एनिमल्स लेके यहाँ से पास होते हैं, तो ये माउंटेन पेस्चर्स के थ्रू ये रूट्स है। तो ये एक्चुअली सैटेलाइट इमेजिंग की गई, GIS ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, आर्कियोलॉजिकल एनालिसिस की गई और उस स्टडी के बेसिस पे उन्होंने कहा कि ये 75% जो एंशियंट सिल्क रोड रूट है वो ऐसे पाथ से मूव होता है जहाँ पे हर्ड्स और जो ये नोमैड्स अपने हर्ड्स के साथ मूव करते हैं उन पाथ से है। तो इसीलिए वो ये क्लेम करना चाहते कि सिल्क रोड जो है वो नोमैड्स ने बनाए थे। तो सिल्क रोड ये नाम भी ये सिल्क जो चाइना से सेल किया जाता था मतलब ट्रेड होता था उसके ऊपर ये नाम दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं सिल्क रोड यहाँ चाइना से लेके फिर इवन इंडिया से पास होके ये पूरा कॉन्स्टेंटिनोपल तक जाता है, मतलब वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड देन दिस कॉन्स्टेंटिनोपल जो आज तुर्की में है, इस्तांबुल जो हम बोलते हैं, तो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट को मीट करता है। तो इस बारे में
तो ये सिल्क रोड तो कई बार न्यूज में रह चुका है, क्योंकि चाइना ने भी प्रपोज किया है अभी जो हम देख रहे हैं ओबोर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, तो उसमें वही वो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट बना रहे और मैरिटाइम सिल्क रोड भी प्रपोज कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे भी ये इम्पोर्टेंट है। अगला न्यूज आइटम है ऑस्ट्रिचेस लिव्ड इन इंडिया वंस, तो ये डीएनए एनालिसिस किया गया जो फॉसिलाइज्ड एग शेल्स पाए गए ऑस्ट्रिच के, तो यहाँ पे इंडियन रिसर्चर्स ने कहा है कि फर्स्ट टाइम ये मॉलिक्यूलर एविडेंस मिला है कि ये ऑस्ट्रिच बर्ड इंडिया में प्रेजेंट था, तो अराउंड 25,000 ईयर्स को ये यहाँ प्रेजेंट थे, तो जो 92% जेनेटिक सिमिलैरिटी मिली है यहाँ पे इस ऑस्ट्रिच के फॉसिलाइज्ड एग शेल से, तो ऑस्ट्रिच स्पीशीज अफ्रीका में पाया जाता है उसके साथ, तो मतलब इंडिया और अफ्रीका एक्चुअली क्लोज थे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है उसके बेसिस पे ये है कि सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट थे और बाद में ये ड्रिफ्ट हुए, तो जो इंडिया भी है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एविडेंसेस भी है, तो यहाँ पे ग्लेशियल स्ट्राइएशंस पाए जाते हैं, तो जब ग्लेशियर जब आइस शीट जब फ्लो होता है स्लोली फ्लो होता है, तो उससे ग्लेशिएशन मार्क्स आ जाते हैं जो पीछे जमीन है बेस है उसपे, तो इसको कहते हैं ग्लेशियल स्ट्राइएशंस, तो ये ऑल ओवर यहाँ पे पाए गए हैं, तो ये ऐसा उसका शेप है जैसे कि ये पूरे एक साथ थे, बाद में इंडिया अफ्रीका भी अलग हुए हैं, तो वही वो कह रहे हैं कि अफ्रीकन ऑस्ट्रिच स्पीशीज से काफी सिमिलर ऑस्ट्रिच स्पीशीज इंडिया में थी, पहले ये बर्ड था यहाँ पे। अगला न्यूज आइटम है नींदरथल यूज्ड एस्पिरिन फॉर टूथेक, तो ये जो नींदरथल मैन थे स्टोन एज टाइम पे, तो ये पेनिसिलिन का जो ये एक है पेनिसिलियम जो ये एंटीबायोटिक फंगस है ये वो खाते थे, तो जब उनको टूथेक वगैरह होते थे तो ये खाते थे, क्योंकि ये जो टूथ यहाँ पे मिले उसमें इनके रिमेन्स है, तो वो ये पॉपुलर ट्री में जो सैलिसिलिक एसिड होता है तो वो भी वो कंज्यूम करते थे, तो सैलिसिलिक एसिड इज अ नेचुरल पेन किलर, तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है एस्पिरिन में, तो मॉडर्न डे एस्पिरिन भी यही है, तो ये नींदरथल मैन भी ये यूज करते थे, ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है स्टडी से, तो ये एस्पिरिन जो है ये प्लांट से ही डिराइव होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है। अगला न्यूज आइटम है लास्ट वन, पटेटोज में ग्रो ऑन मार्स शोज एक्सपेरिमेंट, तो ये इंटरनेशनल पटेटो सेंटर है लीमा पेरू में, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इनिशिएट किया है, तो इसमें वो लोग पटेटोज ग्रो कर रहे हैं इन साइमुलेटेड मार्स कंडीशंस, तो मार्स में जैसा क्लाइमेट है सॉइल है वाटर है जो अवेलेबल है वहां पे, उस क्लाइमेट को साइमुलेट किया है और ये क्यूब सेट करके ये स्पेशली कंस्ट्रक्टेड क्यूब सेट को वो यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे वो ये पटेटोज ग्रो कर रहे हैं, और यहाँ पे कंटिन्यूअसली इसको लाइव स्ट्रीमिंग होता है कैमरा से कि सॉइल पे क्या हो रहा है डेवलपमेंट, और ये पटेटो स्प्राउटिंग यहाँ पे आया है, तो मतलब पटेटोज ग्रो हो सकते हैं, तो अभी और एक्सपेरिमेंट्स हो गए कि वर्स्ट के सिनारियो कौन से एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पटेटो ग्रो हो पाएंगे मार्स क्लाइमेट में, उसके ऊपर स्टडी की जा रही है, तो उस बारे में ये, तो यही है न्यूज आइटम्स, थैंक यू।